हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रहमत अली और आप देख रहे हैं रहमत अली पीसी। अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी और अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया। आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस पर मोबाइल एडिटिंग बिल्कुल ही इजी है और बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, इसको ओपन करना और पिक्चर को एक बार रीसाइज़ कर लेना है, जैसे मैंने किया। मैंने पहले ही कर रखा था, सो आपने भी ऐसे कर लेना है। मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप कैसे पिक्चर रीसाइज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टूल पर जाना और एडजस्टमेंट लेयर पैनल ओपन करना और इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देना, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया ताकि मैं इसमें एपिक डुअल ट्यून इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकूं। तो अब आपने क्या करना है, ड्रॉ टूल पर आ जाना। मैंने ड्रॉ टूल ओपन कर लिया और इधर से क्या करना, आपने इसके कलर पैनल को ओपन कर लेना है, कलर पैनल को, ठीक है। मैंने ये कर लिया, मैं इधर से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक लाइन खींच देता हूँ बिल्कुल एक साइड से। ये देखें, मैंने वो कर दिया। अब आपने क्या करना, लेयर को ओपन करना और इधर से थ्री डॉट पे क्लिक करना और इसको ट्रांसफ़र कर देना आधी साइड पे पिक्चर की, ठीक है, ताकि दो कलर इसमें अप्लाई कर सके और डबल ट्यून क्रिएट कर सके, ठीक है। तो मैं कैसे इसको बड़ा कर रहा हूँ ट्रांसफ़र, तो आपने भी ऐसे एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो के टू स्टेप हैं। पहले हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हम एडिटिंग करेंगे और बाद में लाइटरूम में कलर ग्रेड करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरी ऐसे ही वीडियो को आपने लाइक करना है और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब आपने, मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि रेड कलर सेलेक्ट कर लेना वैसे ही कलर पैनल से और एक लाइन लगा देनी ऊपर और इधर से ही लेयर से आपने इसको भी ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको आपने बड़ा करके दूसरी साइड पर लगा देना, फिट बिठा देना जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मुझे जैसे अच्छा लग रहा है मैं वैसे कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक साइड पर ब्लू कलर और दूसरी साइड पर रेड कलर सेलेक्ट कर दिया है। ये देखें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो रेड वाली लेयर है इसके नॉर्मल मोड आपने लाइट रख देना, ठीक है, ताकि जो इसने आउटफिट और इसकी बॉडी है वहाँ पर ही कलर फिल हो, बैकग्राउंड से रिमूव हो जाए। और ऐसे ही ब्लू का भी आपने नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड लाइट रख देना। तो देखें कितने आसान तरीके से मैंने एपिक डुअल ट्यून इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को कर लेना सेव। तो मैंने सेट कर लिया, अगर आप किसको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लगती है तो आपने कम कर लेनी है, तो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ ओके और अब मैंने क्या किया, पिक्चर को सेव कर लिया, ठीक है। ये देखें पिक्चर हो चुकी है सेव। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप चेक कर लें, पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। तो मैंने पिक्चर को सेव कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ लाइटरूम में ओपन। तो मैं चलता हूँ लाइटरूम की तरफ। सो गाइस, मैंने पिक्चर को लाइटरूम में ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके कलर बैलेंस पैनल पर आ जाना है और उसकी नॉर्मल कलर बैलेंस इसका सेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी जस्ट ऐसे ही करना है। अब आपको पता ना चले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना कि मैंने कैसे कैसे इसके कलर बैलेंस को सेट किया, ठीक है। तो आपने भी जस्ट ऐसे कर लेना है। ये देखें, ये हो जाएगा डन। अब मैंने क्या करना है, इसकी सैचुरेशन और वाइब्रेंस को थोड़ा थोड़ा मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बना। अब मैं चलता हूँ मिक्स में और इसके ऑरेंज की लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसका स्किन का कलर थोड़ा वाइट हो और डोरजेंट बर्न क्रिएट हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने ब्लू का कलर थोड़ा चेंज किया। अब मैं चलता हूँ स्प्लिट ट्यून पर और इसके विग्नेट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें कितने आसान तरीके से मैंने पिक्चर डोप ड्यूअल ट्यून इफ़ेक्ट डाल दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और ऐसे ही अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आज के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।